और अब आपको मध्य प्रदेश में धार की उस भूतशाला लेकर चलते हैं जहां पिछले 91 दिनों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का सर्वे चल रहा है। ये पता लगाने की कोशिश है कि धार की भूतशाला माँ सरस्वती का मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। लेकिन अब इस भूतशाला से कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसे लेकर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि भूतशाला के मंदिर होने में किसी तरह का संदेह नहीं है। दरअसल भूतशाला में आज ASI के सर्वे का 91वां दिन है और इस दौरान उसे खुदाई में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं। खुदाई के दौरान 1.5 फीट की काले पत्थर से बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा मिली है और श्री कृष्ण की ये प्रतिमा उसे उत्तर पूर्वी हिस्से में प्राप्त हुई है। इसके अलावा हिंदू धर्म से जुड़े 2 पत्थर भी मिले हैं जिन पर सनातन धर्म के प्राचीन प्रतीक चिन्हित हैं। इन सभी अवशेषों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी ASI की टीम ने की है। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही भूतशाला के एक बंद कमरे से कुछ ऐसे राज सामने आए थे जिन्हें हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है। भूतशाला में लंबे वक्त से एक बंद कमरे को ASI ने खोला तो इसमें हिंदू धर्म से जुड़े 79 यानी 79 ऐसे सबूत मिले जिसके आधार पर हिंदू पक्ष इस भूतशाला को मंदिर बता रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भूतशाला के इस कमरे से क्या क्या मिला है। ASI की टीम ने जब भूतशाला के इस कमरे की जांच की तो उसे माँ बा देवी की खंडित प्रतिमा मिली। जमीन के नीचे भगवान श्री गणेश की मूर्ति मिली। इसके अलावा भगवान हनुमान की मूर्ति भी इस कमरे में पाई गई। माँ महिषासुर मर्दिनी, माँ पार्वती और भैरवनाथ जी का स्वरूप भी इस कमरे में पाया गया है। साथ ही अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलने के बाद हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत बता रहा है। साथ ही इस बंद कमरे के प्रवेश द्वार पर शंख, चक्र और गदा के चिन्ह बने हुए हैं। इस तरह के हिंदू धर्म से जुड़े 79 अवशेष इस कमरे से ASI की टीम को हासिल हुए। अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष इस पर क्या कह रहे हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। हिंदू पक्ष के अनुसार प्रतिमाएं भूतशाला के कमरे से मिली हैं, उससे ये साबित होता है कि धार भूतशाला एक मंदिर था। जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि कमरा 1997 में सील किया गया था, तब कमरा खाली था और ये प्रतिमाएं बाद में रखी गई। हिंदू पक्ष का कहना है कि भूतशाला का जो कमरा खुला है और जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं उससे ये भी पुष्टि होती है कि ये कोई परिसर नहीं बल्कि देवस्थान है। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मूर्तियां कमरे में कैसे आई ये जांच का विषय है। नौ सर्वे अधिकारी और 36 मजदूर वर्ग जो लेबर था वो थे। आज दिन भर उत्तरी पूर्वी भाग में भूतशाला परिसर के उत्तरी पूर्वी भाग की ओर उत्खनन ने मिट्टी हटाने का काम चला। आज उत्तरी पूर्वी भाग में काम चला उसमें 3 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक अवशेष अपनी संस्कृति अनुरूप बना हुआ है, 2 अवशेष है जिसमें आकृतियाँ, जिसमें एक अवशेष में फ्रंट से तो प्रतिमा कटी हुई है लेकिन दाई और बाई तरफ यक्ष की प्रतिमाएं पूर्ण बनी हुई है। और जो एक अवशेष है जो 1.5 फीट का एक काले पाषाण पे है उसमें कृष्ण की आकृति है जो पूरी कृष्ण के रूप में है, जिसमें मयूर पंख कह सकते हैं, बांसुरी हाथ में है, ये सारा स्वरूप उसमें दिखाई देता है। 3 कुछ अवशेष भी मिले हैं जिनमें कुछ आकृतियां बनी हुई दिख रही है लेकिन क्लियर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो सर्वे टीम ने उसको उठाकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रख लिया है। वो सर्वे में उसको किस आधार पर शामिल करेंगे ये